पहले गाहे बगाहे सरकारें छोटा मोटा भ्रष्टाचार किया करती थी, पर अब जिस तरह से लाखों करोड़ों रुपए के खुलासे हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, जनता अपना पेशेंस खो चुकी है और जनता ने आंदोलनों के माध्यम से एक भ्रष्टाचार का विधेयक की मांग की। अप्रैल के महीने से उनकी एक ज्वाइंट कमेटी चलती रही। सरकार अपने बड़े बड़े बयानों के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है कहती रही और 4 अगस्त को लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया जिसके ना तो दांत हैं ना उसकी आंत है और वो कचरे के डब्बे में फेंकने लायक है। उसको सामने रखकर भ्रष्टाचार की लड़ाई सरकार या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहती है। जन आक्रोश बढ़ रहा है, समाज सेवी अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे हैं, आज 8वां दिन है उनका। उनकी सेहत का ख्याल करते हुए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे एक विशेष मुद्दे को ध्यान रखते हुए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, जो वो नहीं हो रही है। सरकारी विधेयक में और गैर सरकारी विधेयक में फर्क हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सरकारी विधेयक के ऐसे हैं, जैसे कि लोकपाल का चयन एक सरकारी समिति करेगी, उसमें बहुमत सरकारी सदस्यों का होगा, जिसका कि खामियाजा हम लोग पहले भुगत चुके, जब इस देश का चीफ विजिलेंस कमिश्नर का चयन करना था तो उस वक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष 3 सदस्यीय समिति होती है और वहां नेता प्रतिपक्ष के विरोध करने के बावजूद उनकी नियुक्ति हुई, अंततः उसको सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया। इसी तरह लोकपाल को बैठाने की नियुक्ति सरकारी सदस्य लोग बहुमत वाली समिति करेगी और उसको हटाने का अधिकार भी उसी को है। अगर कोई लोकपाल भ्रष्ट हो गया या सरकार के पक्ष का हो गया, सरकारी पक्ष को फेवर करने लगा, तो उसकी अगर मांग पूरे देश में उठेगी कि इसको हटाया जाए, तो हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उसको हटाने की भी अधिकार सरकार के पास है। तो ऐसे विधेयक को कैसे माना जा सकता है? तो हमारा आज सदन में कहना मुख्य रूप से यही था कि भ्रष्टाचार पर जो प्रतिबद्धता सरकार दिखा रही है वो प्रतिबद्धता कहीं परिलक्षित नहीं होती, कहीं दिखती नहीं है। अगर हम उसको साधारण भाषा में कहें कि उन्होंने जो विधेयक लाया तो वो इतना कमजोर है, इतना लचर है, इतना पिलपिला है, ना उसके दांत हैं ना उसके आंत हैं, तो उनकी प्रतिबद्धता साबित नहीं होती। हम ये मांग कर रहे थे और उधर से लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे भ्रष्टाचार पर चर्चा कर लें। अरे भ्रष्टाचार पर भी चर्चा कर लेंगे, भ्रष्टाचार की प्रतिबद्धता पर जो सवाल नेता प्रतिपक्ष ने उठाए
उसका जवाब तो दे दो। और अगर वो बोलती, अगर उनको बोलने की पूरी अनुमति मिलती तो संसद के और जो दूसरे सदस्य थे या पार्टियों के सदस्य थे या नेता थे वो अपनी बात रखते सामने, पता लगता, सदन की कार्रवाई नहीं चल सकी। उसी तरह राज्यसभा में हमने मांग उठाई थी कि पिछले प्रकाश जावड़ेकर जी का नोटिस था उसमें कि प्रश्नकाल स्थगित करके पिछले कई दिनों से जो प्रधानमंत्री और मंत्री तरह तरह के बयान दे रहे हैं बाहर भ्रष्टाचार पर, जब संसद खुली हुई है तो प्रधानमंत्री आकर सदन में बयान दें और उस बयान पर, भ्रष्टाचार के ऊपर बयान दें और उस बयान पर बहस हो। पर ये सरकार को मान्य नहीं था, अंततः राज्यसभा भी नहीं चला। हमारी अंततः मांग यही है कि सरकार को संवेदनशील होते हुए, समाजसेवी अन्ना हजारे जी की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, नेगोशिएशन की प्रक्रिया को तीव्र करना चाहिए। उनका कहना है कि जन लोकपाल विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाए। जन लोकपाल को जैसे के तैसे इंट्रोड्यूस करने का अधिकार क्षेत्र भी प्रधानमंत्री का या सरकार का है, क्योंकि जो भी विधेयक सदन में इंट्रोड्यूस होता है उस विधेयक को पहले कैबिनेट अप्रूव करती है और अप्रूव करके लाती है। उन्होंने एक विधेयक वहां पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो उसको विड्रॉ करें, दूसरा विधेयक लाएं, दूसरा एक स्वरूप बनाएं जो दिखता हो कि भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब होगा, तो मैं समझता हूं तो लोगों का गुस्सा ठंडा होगा। मुझे यही कहना था।